शाहरुख खान और यशराज बैनर का रिश्ता बड़ा ही तगड़ा है। ढाई दशक में उन्होंने यशराज के साथ 10 फिल्में की हैं और अब 11वीं के लिए हाँ कर दी है। खबर है कि शाहरुख खान ने एक बार फिर यशराज फिल्म के साथ काम करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने आदित्य चोपड़ा को अगली फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी है और बताया जाता है कि आनंद राय की फिल्म जीरो की रिलीज के बाद वो यशराज की फिल्म पर काम शुरू करेंगे। हालांकि शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर सारी जानकारी का अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन चर्चा कई तरह की है। ये कहा जा रहा है कि ये धूम का चौथा भाग हो सकता है, क्योंकि एक समय आदित्य चोपड़ा सभी तीनों खान के साथ धूम सीरीज बनाना चाहते थे। आमिर के साथ तीसरा भाग हो चुका है। यदि शाहरुख चौथा भाग करते हैं तो सलमान धूम 5 में हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा कुछ समय से एक योद्धा की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। वो ये फिल्म हो सकती है या यशराज शाहरुख के साथ अपना पुराना रोमांटिक फॉर्मूला ही लेकर आएगा। शाहरुख खान ने 1993 में डर से यशराज में कदम रखा था और फिल्म फैन उनकी 10वीं फिल्म थी। शाहरुख खान जल्द ही अमेरिका जाने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में फिल्म जीरो का स्पेशल सीक्वेंस शूट होने वाला है। इस फिल्म में शाहरुख बोनी के किरदार में हैं और उनके किरदार का नाम हुआ है। खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग अलबामा के रॉकेट सेंट में होगी। यही वजह है कि बुधवार को मुंबई के US कंसुलेट में शाहरुख और अनुष्का आनंद राय के साथ पहुंचे थे। खबर है कि वहां फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शूट होने वाला है। खबर यह भी है कि इस शेड्यूल में कटरीना कैफ नहीं होंगी और सीन सिर्फ शाहरुख और अनुष्का के बीच ही फिल्माए जाएंगे। खबर है कि इस फिल्म में अनुष्का साइंटिस्ट की भूमिका में है। फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं, यशराज की अगली फिल्म में शाहरुख खान को आपके अवतार में देखना चाहोगे एक बार या फिर वही पुराना डर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।